दोस्तों, दुनिया में कई सारे जेल हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे जेल की जिसके बदले लोग मौत की सजा मांगते हैं। इस जेल में जो कैदी जिंदा रहना चाहता है उसे तड़पा तड़पा के मारा जाता है, और जो कैदी मरना चाहता है उसे तड़पा तड़पा कर जिंदा रखा जाता है। समुद्र के बीचों बीच इस खौफनाक जेल में कैदी मौत से भी बदतर जिंदगी जीते हैं। आंकड़ों की माने तो इस जेल में लगभग 80,000 कैदी को लाया गया था, जिसमें से मात्र 30,000 कैदी ही अपना सजा पूरा करके जिंदा लौट पाए थे। बाकी बचे 50,000 कैदी कहां गए कहां नहीं गए किसी को नहीं पता। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही समझे आप, हम बात कर रहे हैं काला पानी जेल की। तो दोस्तों चलिए जानते हैं आखिर कैसी होती है काला पानी की सजा। काला पानी नाम सुनकर बड़े से बड़ा कैदी क्यों कांपने लगता है? आखिर इस खतरनाक जेल का निर्माण किसने और क्यों करवाया, चलिए समझते हैं पूरे डिटेल में। दोस्तों काला पानी का जेल भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में स्थित है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि आखिर इस जेल का नाम काला पानी कैसे पड़ा। तो दोस्तों हम आपको बता दें, काला पानी जेल के चारों तरफ सिर्फ समुद्र ही समुद्र है, इसलिए इस जेल का नाम काला पानी पड़ गया। ब्रिटिश हुकूमत ने इस जेल का इस्तेमाल आजादी के लड़ाई में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को सजा देने और कैद करने के लिए किया गया था। काला पानी जेल में 696 कमरे बनाए गए हैं, ताकि यहाँ पर लाए जाने वाले सभी कैदी को अलग अलग रखा जा सके। यहाँ पर कैदियों को अलग रखने का एक ही मकसद था कि कैदी आपस में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कोई योजना ना बना सके और अकेलेपन का जीवन घुट घुट कर जीते रहे। इस जेल में बंद क्रांतिकारियों या यूं कहें कैदियों पर बहुत ज्यादा जुल्म ढाया जाता था। हर एक कैदी को रोजाना कोल्हू के बैल के तरह 15 किलो नारियल और सरसों से तेल निकालना होता था। अगर वो ऐसा नहीं करते थे तो उन्हें बुरी तरह से कोड़ों से पीटा जाता था। यहाँ पर रहने वाले कैदियों को हफ्तों तक भूखा रखा जाता था। छोटी छोटी गलतियों पर दिन रात कोड़े बरसाए जाते थे। ये सारी यातनाएं इतनी भयानक होती थी कि कैदी को मानसिक और शारीरिक रूप से अपाहिज बना दिया जाता था। दोस्तों ये सारी सजा तो काफी मामूली है, लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर हो सकता है आपकी रूह कांप जाएगी। सोचिए, अगर कोई आपको घास से बनी सब्जी खिलाए तो आप क्या करोगे? हो सकता है आप गुस्से में थाली फेंक दें या फिर कुछ और। लेकिन काला पानी में रहने वाले कैदियों के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। जिंदा रहने के लिए ये घास की सब्जी उन्हें खानी ही पड़ती थी। नमक के नाम पे बस एक चुटकी दिया जाता था। इस खाने की वजह से कई कैदियों की मौत भी हो गई। इसके साथ उन्हें पीने के लिए जो पानी दिया जाता था उसमें कीड़े पड़े रहते थे। काला पानी के जेल में कोई शौचालय नहीं बना था, इसलिए जब भी उन्हें शौच जाना होता था तो वो अपनी सेल का इस्तेमाल करते थे। वहाँ कैदियों को दो बर्तन दिए जाते थे, जिसमें से एक का इस्तेमाल वो खाना खाने और दूसरे का इस्तेमाल वो शौच के लिए करते थे। यहाँ तक के कैदियों के पास सोने के लिए ना रजाई थी ना कोई कंबल। मौसम कैसा भी हो हमेशा जमीन पर सोना पड़ता था। जब भी वहाँ रहने वाले किसी भी कैदी ने किसी भी चीज की मांग की तो उन्हें इतनी खतरनाक सजा दी जाती थी कि हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ब्रिटिश सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। काला पानी के इस जेल का प्रयोग अंग्रेज ज्यादातर सिर्फ भारतीयों के लिए करते थे। अंग्रेजों के लिए ये जगह काफी पसंदीदा थी, क्योंकि यहाँ से कोई कैदी भाग भी नहीं सकता। चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है, भाग के जाएगा भी कहाँ। हमारे देश के कई स्वतंत्रता सेनानियों ने काला पानी की सजा काटी। काला पानी के दीवारों पर उन वीर शहीदों का नाम अभी भी लिखा हुआ है। अगर आपको भी कभी मौका मिले तो एक बार काला पानी जरूर घूम कर आइए। यहाँ पर आपको हमारे वीर क्रांतिकारियों के जज्बे और हिम्मत को देखकर गर्व की अनुभूति होगी। भारत सरकार ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के स्मृति को आज तक संभाल के रखा है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत देश।